ये कौन बच्ची पली हुई है? ओए ये कौन है? ओए होए होए ये कौन आ गई है? ये बिल्कुल ये पापा की जोश होगी। हेलो हेलो बाजी जी, बाजी जी इधर नहीं सोना, ये हमारा घर है। हाँ हाँ भागो इधर, इधर नहीं सोना, ये हमारा घर है। हाँ तुझे बचाऊँ मैं, भागो इधर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते कुछ से कहीं के। चलो भागो इधर से, पता नहीं ये कौन है जहाँ इधर आकर सोई हुई थी। चलो निकलो पहले फुटसेट में, निकलो यहाँ से, हमारा नया घर है, पूरा मूड ही खराब कर दिया तुमने तो यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैक अगेन GTA 5। और फाइनली यार हमने अपने लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और नया घर खरीद लिया है, जो कि काफ़ी अरसे से मैं प्लान कर रहा था और काफ़ी अरसे से मैं लगा हुआ था एक नया घर ढूंढने में। तो फाइनली हमने एक नया घर ढूंढ ही लिया है और भाई साहब पूरा का पूरा घर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने करनी है शिफ्टिंग, और भाई साहब घर पे किसी को भी नहीं पता कि मैंने एक नया घर खरीद लिया है। तो अब जाके सबको सरप्राइज देते हैं और बताते हैं कि भाई हमने एक नया घर खरीदा है और अब हम शिफ्ट करने जा रहे हैं अपने नए घर पर। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। सबको यहाँ पर खुशखबरी देता हूँ, एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा था इस घर पर, तो सबको खुशखबरी देता। अरे सब लोग कहाँ गए? इधर तो कोई भी नहीं है। अरे जिमी, अमेंडा, ट्रेसी, अबे सब लोग कहाँ गए? अजीब है यार, घर खाली खाली पड़ा हुआ है। कहीं शक तो नहीं हो गया इनको कि मैंने नया घर खरीद लिया है? ऊपर देखता हूँ यार, ऊपर कहीं बैठे होने सारे। जिमी के देखता हूँ, वो तो अपने रूम में ही होना है, 24 घंटे वो अपने रूम में ही रहता है। अरे जिमी, अजीब है यार, इधर तो कोई भी नहीं है। ये सब लोग कहाँ गए यार? ट्रेसी को देखता हूँ मैं, अरे ट्रेसी भी नहीं है। मेरे ख्याल से नीचे होने सब लोग, तो नीचे जाकर बाहर देखता हूँ। अजीब है यार, पता नहीं सारे कहाँ चले गए यार। इधर देखता हूँ, वो देख, वो बुद्धू उधर खड़ा हुआ है, गाड़ी को साफ करने लगा हुआ है। बाप की गाड़ी कभी साफ नहीं की भाई, खुद की गाड़ी आई है तो भाई साफ करने में लगा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम पापा जी, क्या हाल है? छींक छाक हैं? हाँ ठीक हूँ। ये तो इधर क्या कर रहे हैं? ओम पापा मस्त छोटी सी गाड़ी छींक करना। अच्छा मैं आपको बचाइए नई गाड़ी ली है, फिर वहाँ ख्याल भी रखना चाहिए ना गाड़ी का। और बाकी सब कहाँ गए? ट्रेसी और अमेंडा? ओम पापा जी पीछे ही बैठे हुए हैं। पीछे कहाँ पर? ये पापा पीछे ही जहीं बैठे हुए हैं, चैनल चूनस खेल रहे थे वो। अच्छा गाड़ी की बड़ी सफाई हो रही है, खैर तो है। और बस पापा आपको पचाइया है मेरी गाड़ी है, तो साफ सुथरी रखना पड़ता है इस गाड़ी को, वरना स्क्रैच स्कूल बहुत इसके अंदर आ जाते हैं। वो ना बच्चे ना वो स्क्रैच इसके ऊपर जान देते हैं और काफ़ी ज़्यादा गंजी हो गई थी मेरी गाड़ी। कोई काम था पापा आपको? यार काम तो नहीं था, एक बात बतानी थी सब लोगों को। कौन सी बात पापा? वहाँ मुझे पहले ही शक था अपना नई गर्लफ्रेंड शिक्षा जफ्फू चक्कर अपने हो जाना है। और कैसी बातें कर दिया रहा है, बाप के सामने लगी जा रहा है, कोई शर्म हया ही नहीं है। ओह नहीं पापा, वैसे ही मजाक कर जा मैं। अच्छा कौन सी बात बचाइए, मुझे बचा दें आप। यार मैंने ना एक नया घर खरीद लिया है। क्या बात है, क्या बात करनी है पापा? एक नया घर खरीदा आपने? हाँ हाँ, वो तैयार भी हो चुका है, तो आज हमने शिफ्टिंग करनी है। ओ पापा आपने बचाया क्यों नहीं यार? कहाँ पर खरीदा है वैसे आपने? यार वो बीच है ना जहाँ पर, यहाँ पर खुला खुला इलाका है, वहाँ पर खरीदा मैंने। ओए पापा यार मजा आ जाएगा फिर तो यार, मैं बस ये गजी को शाम से जल्दी से करता हूँ और मैं आपको छा जाता हूँ। यार ये बहुत अच्छी आप मजे की बात बचा दी आपने, जो अपने पापा दिन खुश खा दिया मेरा। अच्छा वैसे पापा ये गाड़ी किसके खड़ी है? ये लैंड रोवर? यार ये भी मेरी गाड़ी है पापा। यार आप ये क्या करते जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीद ली है, नया घर भी खरीद लिया? यार ये तो बहुत अमेजिंग बात है यार, बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है। हाँ पसंद आई तुम्हें? ये एक्चुअली मेरे दोस्त को दी हुई थी, एक्चुअली ये मेरे दोस्त को गाड़ी दी थी, ठीक है ना, वो घूमने गया हुआ था कहीं बाहर। यार पापा आप खींच कर देते हैं यार, बहुत ही जबरदस्त गाड़ी आपने खरीदी है, अच्छी गाड़ी है ना? हाँ पापा बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा अपनी मामा को कहो कि जल्दी जल्दी सामान पैक करे और निकले यार हम। यार पापा मैं बहुत ही ना एक्साइटेड हूँ गाड़ी देखने के लिए यार, आपने मेरा दिल जीत लिया वाकई यार। अच्छा आप बक बक बंद करो और मामा को बुलाओ, उसे कहो कि जल्दी से सामान पैक करें और हम निकलें यार। ठीक है पापा, मैं अभी मामा को जाकर बताता हूँ कि आपने नया गाड़ी खरीद लिया है। यार आपने मुझे कहा दिया आज तो। अच्छा बातें काम करो, जाके बुलाओ उन सबको, उनको पैकिंग जल्दी करो और गाड़ी में लोड करो, निकलते हैं फिर। ठीक है पापा, यहाँ पापा ने जो मुझे ही कहा दिया आज तो। अबे बातें काम कर, जा बुला मामा को जल्दी कर, सामान से पैक करके। यार खींच कर दिया पापा ने, मैं मामा को बचाता हूँ जल्दी से। मामा, अरे मामा ने पता नहीं पीछे चली गई है यार, उसे मैं बचाता हूँ जाके। क्या चाहिए मामा को? यार मामा को जल्दी जल्दी से बचाते हैं कि पापा ने नया घर खरीद लिया है। वैसे उम्मीद तो नहीं थी पापा से, उम्मीद तो यही थी कि पापा ने कोई बच्ची बुच्ची नहीं के बाग भूंग जाना है, मुँह खाने उनको बचाते हैं। मामा मैं आपको एक बात बचानी है, मैं उनको बचा ही देता हूँ यार, मैं आपको बहुत ही कमाल की बात बचानी है, वो ये कि भाई पापा ने ना नया घर खरीद लिया है और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त लैंड रोवर भी खरीद ली है। उन्होंने कहा जितना भी सामान उसे पैक करो और यहाँ से निकलते हैं, पहले फुर्सत में ही निकलते हैं, तो जल्दी से आप ना पैक करने, मैं पापा के पास ही खड़ा हूँ, ठीक है ना, पैक करके जल्दी से आप आएँ। बस यार इनको बचाना ही था जैसी भाग के अंदर जी।
इनको बस बचा ही जाएंगे, पापा नहीं है गल है, वो तो खुशी से पागल ही हो गए। चले जल्दी जल्दी से वो सामान पैक कर लेते हैं, मैं पापा को बचा लेता हूँ, उनको मैंने बचा दिया है, पापा भी मेरे ख्याल से बाहर नहीं खड़े उन्हें, उनको बचा देता हूँ। यार वैसे ना मुझे उम्मीद नहीं थी पापा से इस तरह कि वो नया गन खरीदेंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया काम उन्होंने यार, बहुत ही ज़बरदस्त ना। फिर भाई आशिक को भाई को भी बुलाएंगे, फिर मज़े करेंगे यार, मज़े ही मज़े आए जो होंगे यार। वो पापा खड़े, पापा जी मैंने बचा दिए मामा को, उन्होंने चाची को बचा दिया, वो सामान पैक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इस तरह करो कि जल्दी सामान लाओ और लोड करो चीज़ें, ठीक है पापा मैं सामान लाता हूँ। ओके यार सब रेडी हो चुका है, तो चलो गाड़ी में बैठते, सामान सामान रेडी हो गया है। वो पापा मुझे जो बहुत मज़ा आ रहा है यार, आपने फाइनली गन खरीदी नहीं है यार। अच्छा जिमी यार जल्दी बैठ जाओ यार, पापा मैं बहुत शंकित हूँ यार। अच्छा माइकल आप इस घर का क्या करेंगे? इस घर को सेल कर देंगे ना हम, देखते हैं क्या करते हैं, या सेल कर देंगे या फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। अच्छा अच्छा सही है सही है। वैसे घर कहाँ पर खरीदा है तुमने? बीच के करीब करीब ही खरीदा है घर मैंने। यार ये पहली दफा तुमने कोई अच्छा काम किया है। मामा पापा ने बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं, आपको नहीं पता, मुझे तो यही ख्याल था कि पापा को बच्चे बच्चे के साथ भाग मूंग जाएंगे। यार ये तुम किस तरह की जिम्मी बातें करी जा रहे हो यार, सुबह का तुम यही मैं सुन रहा हूँ, तुम यही कही जा रहे हो। यही पापा मैं मजाक का शुगर लगा हुआ था यार, आप तो कुछ ही कर गए। अच्छा आप शुगर बंद करो, चुप कर बैठो, और सामान सारा ही उठा लिया था तुमने। यही पापा सारे ही उठा लिया था सामान, और पापा गाड़ी का क्या करेंगे, ये मेरी गाड़ी चौदह ही खनी है घर पे। यार गाड़ी का सीन कर लेंगे, बाद में आके ले जाएंगे गाड़ी, या कोई ट्रेलर ट्रूलर हम ले आएंगे, उससे हम लोड करके लेके जाएंगे गाड़ी को। यार सही होंगे पापा यार, बहुत ही मजा आएगा हमें उस घर पर यार, और मैं आशिक भाई को भी बुलाऊंगा, फिर मजे करेंगे वहाँ पर, जोशों के साथ गपशप लगेंगी। यार आपने पहली दफ़ा कोई अच्छा काम किया है पापा। अच्छा यार अब तरीफे बंद भी कर दो। ओ भाई आराम से यार, ये किस तरह का बेवकूफ़ आदमी है यार, इनको गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं आती। पापा यार आप आराम से गाड़ी चला लेना, और पेट्रोल वगैरह भी जलवा लेना है यार। पापा आपने मेरा ना जिल जीत लिया है सच में यार। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं यार आज रश क्यों है इतना ज़्यादा। पापा हम नए घर भी जा रहे हैं, इसलिए रश ज़्यादा हो जाए यार, बहुत मज़ा आएगा, शुगर लगेगा फिर जी। पापा चलो इसे कट कुछ कराए ना, जल्दी से जाएं यहाँ पर, नेविगेशन लगा लिया है आपने? वैसे जिमी तुझे बताओ ना, तूने पहली दफ़ा ना कोई अक्लमंद का काम किया है, तो मैं नेविगेशन इधर लगा लेता हूँ। पहली दफ़ा तुमने ना कोई सही चीज़ बताई है यार। पापा मैं तो सही चीज़ें बचाना चाहता हूँ, बस आप ही नहीं समझते, बस इस तरह चीज़ें बताया करो ना मुझे इस तरह की। बस पापा मैं बहुत ही बिजनेस बन जाऊँ ना, और मैंने इसके बाद आशिफ भाई को भी बुलाना है। आशिफ भाई कौन है यार? वो मेरे जोश हैं, ये झंडा मैं वहीं से लेके आया था ना। कौन सा झंडा? ये पाकिस्तान का? जी ये पाकिस्तान का फ्लैग मैं वहीं से लेके आया था ना, और उसने काफ़ी सस्ता फ्लैग मुझे दिया था यार। वैसे मैंने भी ना एक फ्लैग बाय किया है, वो गाँव में एक बंदा था, बहुत ही बड़ा बलून उसने रखा हुआ था पाकिस्तान का वहाँ पर। जी पापा वही आशिफ भाई हैं, वो मेरे बहुत ही अच्छे जोश हैं। पापा आप गलत जा रहे हैं। ओहो भाई बातों में ना मैंने रास्ता ही गलत इख्तियार कर लिया है। अच्छा पापा आप क्या बचाना चाहें आशिफ भाई के बारे में? हाँ यार मैंने वहाँ से फ्लैग मैंने भी बाय किया, लेकिन यार उसने फ्लैग काफ़ी महंगा दिया है मुझे। कितने का फ्लैग दिया है? तकरीबन 10,000 का। यहाँ पापा 10,000 का उसने फ्लैग दिया आपको? हाँ हाँ वो कह रहा था कि फ्लैग काफ़ी महंगे हैं, तो इसीलिए उसने 10,000 का फ्लैग मुझे दिया था, वो नए घर में लगाना था मैंने। यार 10,000 का उसने आपको फ्लैग दे दिया? हाँ हाँ 10,000 का दे दिया यार उसने, तेरा जानने वाला है यार। पापा वो तो मेरा जोश है यार, यार फिर दोस्त ने सही तरह लूटा यार उसने तो मुझे, फिर बस यार उसने ना मुझसे ना ज़्यादा ही पैसे कुछ ले लिए। चलो यार पापा गुस्से ही करेंगे। पापा ये कहाँ जा रहे हैं? इधर जो गांव है आगे जो, इधर बस पास में ही घर है, टेंशन ना लो। अच्छा अच्छा ये 5-5 में ही है। अच्छा इधर कितने का आपको घर पड़ा है? ये 500 मिलियन डॉलर का पड़ गया मुझे घर ये वाला। पापा 500 मिलियन डॉलर का? हाँ हाँ क्यों महंगा ज़्यादा ले लिया है? क्यों महंगा ले लिया है? नहीं नहीं पापा मुझे लगता बहुत ज़्यादा महंगा ले लिया आपने, तो क्यों सस्ता लेना चाहिए था। नहीं वैसे लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी यार बहुत ज़्यादा पैसे आपने खर्च किए हैं यार। पूरा मैंने खुद तैयार घर करवाया ये वाला, ये घर है यार। पापा बहुत ही ज़बरदस्त घर है। एक मिनट ना इशारा पापा ने लगा लें। ये पापा बहुत ही अच्छा घर है, ये 777 का नंबर है। हाँ पापा ये कौन है अंकल खड़ा है भाई? ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अच्छा अच्छा सिक्योरिटी गार्ड भी आपने रख लिया है? हाँ भाई सिक्योरिटी गार्ड भी रख लिया ना मैंने इधर यार। पापा बहुत ही जबरदस्त घर है यार, इधर तो बहुत ही बड़ा ग्राज है यार, इधर तो काफ़ी गाड़ियाँ आएंगी। हाँ हाँ इधर तो अब काफ़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। इधर मैं इसे गाड़ी को लगा देता हूँ यार। पापा अब तो हम बहुत सारी गाड़ियाँ नई नई खरीदेंगे। हाँ भाई इसीलिए तो घर नहीं ले, अब नई नई गाड़ी खरीदेंगे ना इसीलिए। चलो आओ तुम लोगों को घर में विजिट कराता हूँ अंदर से। यार पापा आपने ना चश गिरा दिए वाकई यार, ये बहुत ही जबरदस्त घर है यार। हाँ हाँ बस आओ इधर पीछे पीछे मेरे आओ, तुम लोगों को घर में दिखाता हूँ। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ पूरा घर यार। पापा वाकई आपने चश गिरा दिया, बहुत ही बड़ा घर आपने ले लिया। पहली जिंदगी में ना पहली दफ़ा कोई आपने अच्छा काम कर लिया है। अच्छा अच्छा अब ज़्यादा ना लो मेरी, इधर आओ मैं तुम सबको ना रूम दिखाता हूँ यार। पापा बहुत ही जबरदस्त घर है यार,
ये जिम में तुम्हारे लिए स्टूडियो बनाया है मैंने, ये देखो यार। आप आई लव यू पापा यार, मैं तुमसे बहुत प्यार अब करता हूँ यार, बहुत प्यार। ये सारा सिस्टम ना मैंने तुम्हारे लिए लगाया है इधर, तुम ना आए दिन बाहर निकलते रहते हो ना, इसीलिए अब तुम घर पे ही बैठे रहोगे। नहीं जी पापा, मैं अपना घर पे ही रहूँगा यार, बहुत ही जबरदस्त घर है ये। अच्छा मैं तुम लोगों को ना ऐसा ऐसा घर दिखाता हूँ। ये रहा जी, तो ये रहा जी कमरा, कैसी का कमरा है ये वाला। कैसी कहाँ गई, कैसी इधर आओ। पापा यार अपने कैसी की बच्ची को इतना अच्छा कमरा क्यों दे दिया यार। यार टेंशन ना लो, इधर आओ, तुम्हें भी तुम्हारा कमरा भी दिखाता हूँ, इधर आओ। टेंशन क्यों ले लेते हो यार जिमी, ये देखो तेरा कमरा कितना शानदार है, ये देखो यार। पापा आई लव यू पापा यार, आपने बहुत ही मजा करा दिया। चलो इधर बैठ जाओ और अपना सामान वगैरह खोलो और लगा दो, ठीक है। ठीक है पापा, मैं इधर बैठ जाता हूँ एक दफा, लेकिन पापा मैंने आपका कमरा भी देखना है सबसे पहले। अच्छा यार आ जा, तू मेरा कमरा भी देख ले, अपने कमरे को छोड़कर मेरे कमरे की तो ये पड़ी हुई है। चलो आ जाओ यार, तुम बस बोलती रहना सारी जिंदगी। आ जाओ पीछे मेरे, ये देखो ये मेरा कमरा है यार। पापा आपका कमरा जो बहुत ही जबरदस्त है ना। अच्छा एक और भी कमरा इधर है आगे करके, ये रहा जी मेरा कमरा पूरा, और ये सहन है कमरे का, यहाँ पर हम मस्त नज़ारा ले सकते हैं यार। सही है पापा, बहुत ही मज़ेदार है ना जिमी, मज़ेदार है ना ये घर। यहाँ पापा यहाँ बहुत ही जबरदस्त घर है, आपने बहुत अच्छी लोकेशन में ये घर लिया है। इधर आओ तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो नज़ारा चेक करो यार, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यार। पापा मैं चेक कर रहा हूँ यार, बहुत ही चश करा दिया आपने यार, जिंदगी में पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। ये देखो यहाँ पर समुंदर का कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यार। आजा जिमी आगे तुझे दिखाता हूँ यार, पापा ने वाकई आपने बहुत ही मजा करा दिया है यार। पापा बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है यार, जबरदस्त घर है। मैं पापा सारा घर चेक कर लेता हूँ, आप यार आराम करें। अच्छा ठीक है जाओ यार, पूरा घर चेक कर लो, बस तुम लोगों को पसंद आ जाए मेरी खैर है यार। पापा आई लव यू पापा, अब से मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, अब से मैं आपके हर बात मानूंगा। हाँ बस तू ऐसे ही बोलता रहता है यार। वैसे मजाक के अलावा ना पापा ने कमाल कर दिया यार, इतना जबरदस्त घर पापा ने खरीदा। ये देखे कितना अच्छा कमरा है पापा का, ये टीवी भी कितना बड़ा पापा ने ले लिया यार। ये क्या पाया है, ओह ये तो बहुत ही गंजा मवाद था यार, इसे नहीं देखना चाहिए था, मूड ख़राब हो गया मेरा तो यार। क्या यार मैं गंजा मवाद देख लिया है यार, पापा ने ना अखीर कर दिया यार इस घर को। ये इधर देखे यार, स्विमिंग पूल चेक करता हूँ एक दफ़ा। आई यार बहुत ही ज़्यादा शीन हो गया यार, इधर थोड़ी सी बच्चियाँ वगैरह आ जाती ना फिर तो और ही शीन हो जाना था, हाई शीन हो जाना था, लेकिन चले वो भी आ ही जाएगी, क्योंकि हम जैसे बंजे की कहाँ गर्लफ्रेंड अच्छी होती है, हम तो मारे बंजे हैं ना। ये देखो ये कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। ओए ये कौन बच्ची पड़ी हुई है, ओए ये कौन है, ओए होए होए ये कौन आ गई है, ये बिल्कुल ये पापा की जोश होगी। हेलो हेलो बाजी जी, बाजी जी इधर नहीं सोना, ये हमारा घर है। हाँ हाँ भागो इधर, इधर नहीं सोना, ये हमारा घर है। हाँ तुझे बचाऊँ मैं, भागो इधर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते कुछ से कहीं के, चलो भागो इधर से। पता नहीं ये कौन है यार, इधर आकर सोई हुई थी। चलो निकलो पहले फुर्सत में, निकलो यहाँ से, हमारा नया घर है, पूरा मूड ही खराब कर दिया तुमने तो यार। चलो निकलो पहले फुर्सत में, निकलो इधर से, देखो नहीं निकल रही ना, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। ये जी ये गुस्सा खा, अब इधर बेहोश पड़ी है, अजीब सिस्टम है यार ये जो यार। ये तो गाजी पापा ने लेके खड़ी हुई की हुई है यार, जबरदस्त। चलो गाजी को चलाते हैं यार, अरे यार बहुत ही मज़ेदार गाजी है यार। पापा ने अखीर कर दिया यार, पहली दफ़ा पापा ने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है। वैसे तो उसने कोई अच्छा काम इतने किया नहीं, लेकिन ये ज़िंदगी में पहला काम उसने अच्छा किया है। और यार बहुत ज़बरदस्त घर है, आपको मेरा नया घर काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें यार, और हमारा टारगेट यार 3000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से कंप्लीट करो यार। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।